तो बाहुबली काजोल एंड कृति सनन स्टारर दो पत्ती मूवी आ गई है जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। चर्चे काफी चल रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि वाकई में ये मूवी देखने लायक है या नहीं, हाउ मच प्रॉमिसिंग इट्स स्टोरी एंड क्या तुम्हारे टाइम के बदले एक्चुअल रिटर्न फेवर देने की औकात ये मूवी रखती है। चलो बात करते हैं। वाओ मूवी की स्टोरी एड्रेस करती है मिस्ट्री थ्रिलर एंड डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम को, जहां काजोल एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वकील का रोल प्ले भी कर रही है। मूवी की लोकेशन एंड स्टोरी ने टेक प्लेस किया है मोस्ट ब्यूटीफुल उत्तराखंड की लोकेशंस, ऑल्सो सम ऑफ हिमाचल प्रदेश की लोकेशंस। कृति सनन का जुड़वा रोल है, जहां एज यूजुअल वही मोस्ट ऑफ चांस में दोनों बहनों की आपस में बनती नहीं है, एक बहुत सीधी और एक बहुत चंट है। चंट वाली हमेशा सीधी वाली को पेन में देखना चाहती है, बदला लेती है, जबरदस्ती के पंगे करती है, वही सब कॉम्पिटिशन एंड ऑल दैट थिंग्स, जो भी सीधी वाली के पास इजिली मिल रहा है उसे छीनना वगैरह 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 वगैरह, जो हम बहुत बार देख कर भी आ चुके। और तभी हमारी टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी लाइन में आ जाती है एक लव स्टोरी, क्योंकि दो बहनों के बीच की ये इविल स्टोरी है, इविल केमिस्ट्री है, तो कंप्लीट इसे लव स्टोरी ही कर पाएगी। जहां एज यूजुअल सीधी वाली को लड़का पसंद करता है, बचंट वाली उससे वो छीनना चाहती है और कोशिश भी करती है, और ये एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहां तक जो भी हुआ वो नॉर्मली ऐसी बॉलीवुड मूवी में हमें देखने को मिल जाता है आए दिन, बट कहानी वहां ट्विस्ट करती है जब सीधी लड़की की शादी उसी लवर के साथ हो जाती है। वो लवर जो अभी तक चंट के साथ मुंह मार रहा था, लेकिन उसे घरेलू टाइप लड़की चाहिए थी। तो आप समझ रहे हो कैसी अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी हमें मेकर दे रहे हैं, जो हमसे डिकोड ही नहीं हो पा रही है ना। उसके बाद सब बढ़िया चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लौंडा अपनी बीबी को मारता पीटता है, और वो भी बुरी तरीके से। और यहाँ काजोल का एंगल स्टार्ट हो जाता है उसे न्याय दिलाने के लिए, यानी कृति सनन वो सीधी वाली को, जो स्टार्टिंग में वो खुद अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, चाहे वो कितना भी उससे गलती कर ले, चाहे कितना ही मार ले पीट ले। और देन सडनली जो बहनें अभी तक आपस में लड़ रही थी उसके बीच प्यार जग जाता है उन दोनों के बीच में, और वो दोनों मिलकर उसके पति को फंसाने की साजिश रचती हैं। इन द बैक पार्ट ऑफ स्टोरी जो आखिरी में आपको पता चलेगा कि ये साजिश थी, सब हो जाता है बढ़िया, उसे न्याय भी मिल जाता है, हस्बैंड को सजा भी मिल जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड काफी अमीर पॉलिटिशियन का लड़का होता है, तो उसको टैकल करना बहुत हैवी टास्क होता है। तो बाबा यहां तक ठीक ठाक मजेदार थी मूवी, लेकिन लास्ट में राइटर ने जो हगा है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाकर, जिसकी शायद जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आफ्टर द केस काजल को सडनली शक होता है कि ये कहीं साजिश तो नहीं थी इनकी, जबकि लौंडा एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस करता था अपनी बीवी से, उसे कई बार मारने तक का अधमरा छोड़ देता था। लेकिन जाने क्या चुलकटी राइटर को, जो मैसेज उन्हें डिलीवर करना था यहां तक उन्होंने डिलीवर कर दिया था। देन अगेन केस रीओपन करते हैं, फिर वही कोर्ट में बॉलीवुड इमोशनल एंगल देखने को मिलता है। देन अगेन काजोल फिर पलटी मारती है, उसका दिल पिघल जाता है स्टोरी उसकी सुनकर, और यहां दी एंड। मतलब मूवी बढ़िया है पर लास्ट में हक दिया, बस वही वर्स्ट है। बाकी वन टाइम वॉचेबल मूवी है, देख सकते हो। कृति सनन डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन बोथ ट्विंस रोल। बाकी स्टोरी फॉर्मेशन के लिए पैराग्लाइडिंग इवेंट का इस्तेमाल कर रखा है, जो बहुत बेस्ट एलिमेंट लगा। स्क्रीन प्ले टाइट रहता है, बोर कहीं नहीं करेगा आपको, ये खासियत है इसकी। बस एंडिंग डिसअपॉइंटिंग थी। बाकी मेन पर्पस इस मूवी का डिलीवर करना था अवेयरनेस टुवार्ड्स द डोमेस्टिक वायलेंस, जहां आए दिन इंडिया की एक तिहाई फीमेल्स इस क्राइम से जूझ रही हैं। तो ये सॉलिड मैसेज था इस मूवी का, जहां अगर आपके साथ या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी घटना हो रही है तो आप बिना थाने जाए wannatalkaboutit.com पर बातचीत और रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं तो देख सकते हो, मिस्ट्री का लेवल ठीक ठाक है, नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी मिल जाएगी। यहां लगाते हैं पूर्ण विराम। दैट्स माय रिव्यू फॉर दो पत्ती मूवी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो 1000 बेबीज केरला की है, यानी मलयालम वेब सीरीज है, उस पर रिव्यू लाने वाले हैं। मिलते हैं बाबा, यहाँ तक पहुँच गए, इस कमले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।